राज्य स्तरीय दो दिवसीय शतरंज स्पर्धा अंडर 16 ओपन व गर्ल्स और अंडर 20 का सफल आयोजन जिला शतरंज संघ कांगड़ा द्वारा ज्वालामुखी में किया गया, जिसमें जिला कांगड़ा का दबदबा रहा। कार्यक्रम में राज्य शतरंज अध्यक्ष अरुण कंबोज और संजीव ठाकुर सचिव मौजूद रहे। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। जिला कांगड़ा चेस एसोसिएशन की तरफ से इस प्रतिस्पर्धा को ज्वालामुखी में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 109 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता 2 दिन चली। विजेता प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में नवीन ठाकुर व्यवसायी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आज ज्वालाजी में अंडर 20 और अंडर 16 वर्ग की प्रतियोगिताओं का समापन हुआ है और जिसमें दोनों कैटेगरी से 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। अंडर 20 जो है वो दिल्ली में, अंडर 20 का जो नेशनल वो दिल्ली में 9 जनवरी से 15 जनवरी तक, और अंडर 16 का जो नेशनल है वो विशाखापट्टनम में 23 जनवरी से 28 जनवरी तक होने जा रहा है। और जो ये टूर्नामेंट था इसमें 107 बच्चों ने भाग लिया। उत्साह उनका, जो लॉकडाउन के बाद पहला टूर्नामेंट है ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट चेस एसोसिएशन ने कम समय में जिला कांगड़ा के पदाधिकारी हैं उनको नहीं मिला, लेकिन शतरंज संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं वो बधाई के पात्र हैं। वो कि इतने कम समय में एक रिकॉर्ड बोलेंगे कि इतने कम समय में इस तरह का आयोजन, जो टूर्नामेंट का आयोजन किया वो अपने आप में एक मिसाल है। और अभी इन फ्यूचर जो टूर्नामेंट है उसका जो वार्षिक कैलेंडर है वो उसकी घोषणा कर दी गई है। हमारी जनरल बॉडी मीटिंग थी उसमें उसकी घोषणा कर दी गई है और लगभग हर जिले को एक टूर्नामेंट दिया गया है ताकि प्रोत्साहन जिले में प्रोत्साहन हो इस चेस के प्रति। और साथ में जनरल बॉडी मीटिंग में हमारे जो कुछ एक पोस्ट खाली थी सर्वसम्मति से, पूरी बॉडी की सर्वसम्मति से उसमें हमने जो खाली पोस्ट थी वो मनोनीत किया, जिसमें हमारे संदीप शर्मा जी चीफ पैटर्न मुख्य संरक्षक, अपने सीताराम शर्मा जी शिमला से वो सीओ, और वीरभद्र सिंह तिकटा वो सोलन से हैं उनको सह सचिव मनोनीत किया गया है। मैं साथ ही साथ एडॉक्टमेटी का गठन भी किया गया है और मैं अपनी और अपने हिमाचल प्रदेश राज्य शतरंज संघ की तरफ से जो बच्चे इस टूर्नामेंट में विजेता हैं उनको मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। नेशनल में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे यह हमें गर्व, हमारे लिए गर्व की बात है। और जो बाकी बच्चे जीत नहीं पाए लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको बोलते हैं कि एक उत्साह जो उन बच्चों में रहा, आने वाले समय में जो टूर्नामेंट होंगे उसके लिए वो अच्छे से तैयारी